दोस्तों इतिहास की वो छिपकलियां जिन्होंने इस धरती पर 25 करोड़ सालों तक राज किया, आज हम सिर्फ इनकी कल्पना ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि आज से 6.5 करोड़ साल पहले ये धरती से विलुप्त हो चुके थे। इनकी विलुप्ति को मनुष्य का सौभाग्य कह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर आज इस धरती पर जिंदा होते तो शायद हम नहीं जिंदा होते। डायनासोर ट्राइसिक काल में विकसित हुए थे और जुरासिक काल में इनका अंत हो गया। अब तक मिले जीवाश्मों के आधार पर इनका जन्म आज से 25 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है, जो अभी तक वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इस पर अभी भी खोज जारी है। डायनासोर्स को सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। दुनिया में शोधकर्ताओं को पहला डायनासोर जीवाश्म 19वीं सदी में मिला था और आज तक इन विशालकाय छिपकलियों पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं। साथ में लाखों की संख्या में इन पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जहां डायनासोर आज तक इस धरती पर विकसित हुए सभी जीवों में सबसे विशाल और खतरनाक जीव है। इनमें से कुछ विशालकाय छिपकलियां 40 फीट से ऊंची और 80 फीट तक लंबी थीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने विशाल थे। ये छिपकलियां अपने रास्ते में आने वाले हर जीव का शिकार करती थीं। ऐसा नहीं है कि सभी डायनासोर मांसाहारी थे, इनमें से कुछ शाकाहारी भी थे, लेकिन हम आज आपको उस समय के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। शुक्र मनाइए कि आज ये हमारी धरती पर मौजूद नहीं है, वरना हमारा क्या होता। नंबर 1, कैप्रोस्ट्रिकस। दोस्तों दुनिया की अगर खतरनाक तरीन जानवरों का नाम लिया जाए तो यकीनन मगरमच्छ का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आज से लाखों साल पहले खतरनाक जानवर कौन सा था तो डायनासोर का नाम लेंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए कि डायनासोर और मगरमच्छ का कोई बच्चा पैदा हो तो वो कैसा होगा। इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का जानवर लाखों साल पहले मौजूद था जिसका नाम था कैप्रोस्ट्रिकस। इसका जिस्म और धड़ मगरमच्छ की तरह था, जबकि इसकी टांगे डायनासोर की तरह लंबी हो गई थी, जबकि इसके मुंह से निकले हुए दांत एक आरी की तरह थे जो किसी भी जानवर को चीर फाड़ सकते थे। और ये मगरमच्छ की तरह पानी में नहीं बल्कि खुश्की में यानी कि सूखे में आज से करोड़ों साल पहले रहता था, जिसके अवशेष नाइजीरिया के कुछ जगहों पर मिले हैं। आज मगरमच्छ की ग्रिप के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये कितनी ज्यादा मजबूत होती है। इनके जबड़ों के शिकंजे में अगर कोई एक बार आ जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इनकी कम रफ्तार उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, जो कि इनकी कमजोरी है। लेकिन आपको बता दूं कि लाखों साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये कैप्रोस्ट्रिकस साइज के अंदर 21 फीट लंबे होते थे और इनके दांत और जबड़ा आज के मगरमच्छ से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर होता था, और ये डायनासोर की तरह दौड़ भी सकते थे। आप जरा ऐसे जानवरों के बारे में सोचकर देखिए जो कि मगरमच्छ की तरह ताकतवर हो और डायनासोर की तरह आपके पीछे भी दौड़ सकते हो। तो क्या आज के दौर में इंसान इनसे बचकर कहीं भाग सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि इन जानवरों की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि कोई भी शिकार एक बार इनके सामने आ जाए तो फिर वो बचकर भाग नहीं सकता था। नंबर 2, डायनासोरस। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि आज से लाखों साल पहले डायनासोर की तकरीबन 1000 के लगभग नस्लें इस पृथ्वी पर मौजूद थीं, जो कि अपने साइज और शक्ल सूरत से तो खौफनाक थी ही, लेकिन इनकी एक नस्ल डायनासोरस या फिर टीरेक्स, जिसे किंग ऑफ डायनासोर भी कहते थे, इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक थी। और ये सब आज के दौर के वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, जो कि 20 फीट ऊंचे और 14,000 किलोग्राम के वजनी होने के कारण उनके जबड़े बहुत ही ताकतवर थे, जिनसे ये 57,000 न्यूटन की ताकत पैदा कर सकते थे, जो कि अब तक की रिकॉर्ड हुई सबसे ज्यादा ताकतवर पकड़ है, यानी कि एक हाथी को किसी पर बैठा दिया जाए। इसके अलावा इनके पंजों पर मौजूद छोटे छोटे नाखून शिकार को फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। इतने खतरनाक थे कि अपनी नस्ल के बड़े डायनासोर जो कि घास खाने वाले थे उनका भी शिकार कर लेते थे, और इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि हॉलीवुड की मशहूर मूवी जुरासिक पार्क वगैरह में इनको दिखाया गया है। लेकिन इनको अचानक से जमीन पर गिरने वाले एक उल्कापिंड ने इनका सफाया कर दिया और बाकी बच जाने वाले भूख की वजह से मर गए। आज के दौर के अंदर अगर ये खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद होता तो यकीनन इनका सबसे पहला शिकार हम इंसान ही होते। नंबर 3, हेसोरसीगल। परिंदों यानी पक्षियों में आज जो भी परिंदा सबसे तेज नजर से फास्टेस्ट उड़ने वाला है या फिर हरकतों वाला आसमान से अचानक अपने शिकार पर झपटने वाला अगर जाना जाता है तो वो है ईगल यानी कि चील। एक तो इनके पंजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसके अलावा अपनी साइज से बड़े इनके पंख होने के कारण अपने से भी बड़े शिकार को हवा में उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक चील की ऐसी नस्ल हो जिसका वजन ही 10-12 किलो हो और इनके पर यानी पंखों की लंबाई 10 फीट से ज्यादा तक हो, यानी कि इनका साइज बहुत बड़ा हो।
जी हाँ, इनकी ऐसी नस्ल 1400 के करीब न्यूजीलैंड के कुछ इलाकों के अंदर मौजूद थी, जो कि आज की तारीख के सबसे बड़ी ईगल थे। और इनकी खास बात यह भी थी कि आसमान से 200 किलो तक का वजन भी उठा सकते थे और अचानक से इंसानों पर हमला करके इनका शिकार करने लगे थे। इसके जवाब में इंसानों ने भी इनका शिकार करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये भी जमीन पर खत्म यानी कि विलुप्त हो गए। लेकिन आज अगर ये ईगल यानी कि चीलें जमीन पर मौजूद होती तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती थी। नंबर 4, जाइंटोपिथिकस। दोस्तों, एपीएस बंदरों के बारे में एक खास बात यह है कि ये अपने साइज के इंसानों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। मगर आपको बता दें, आज से तकरीबन 90 लाख साल पहले वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना की सरजमी पर रियल मिनी किंग कॉन्ग यानी कि गोरिल्ला की एक ऐसी नस्ल मौजूद थी जो कि 10 फीट तक लंबे होते थे और हद से ज्यादा ताकतवर थे। अपने इतने साइज के बदौलत कितने ज्यादा ताकतवर होंगे ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी चीर फाड़ सकते थे। और अगर आज ये जिंदा होते तो यकीनन इंसानों का जीना भी हराम कर सकते थे। लेकिन आपको बता दें, आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले ही जमीन से इनका खात्मा हो गया। नंबर 5, मेगलोडॉन शार्क। आज से तकरीबन 3.6 मिलियन साल पहले द ग्रेट शार्क की नस्ल समुद्र पर राज किया करती थी। ये एक बहुत ही खतरनाक शिकारी थे जो कि 70 फीट तक लंबी होती थी, यानी कि आज के दौर की लगभग 3 शार्कों के बराबर। इसका वजन 10 से लेकर 50 टन तक होता था। इसके जबड़े 6.5 फीट और दांत लगभग 14 इंच लंबे होते थे, यानी कि ये कई जिंदा इंसानों के साथ साथ इनको एक साथ निगल भी सकती थी। आज के दौर में अगर ये मछली समुद्र में जिंदा होती या अब तक कहीं जिंदा होती तो कोई भी स्विमिंग में जाना या फिर समुद्र के पास जाना अच्छा नहीं समझता। लेकिन खुशकिस्मती से लगभग 25 लाख साल पहले ही उन सब का जमीन से खात्मा हो गया। नंबर 6, टाइटनोबोआ। दोस्तों, अब सबसे आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े और खतरनाक सांप के बारे में, यानी कि 60 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद सांप की एक ऐसी नस्ल के बारे में जिसका नाम है टाइटनोबोआ। ये साइज में इतना बड़ा था कि इसके शिकार थे बड़े बड़े मगरमच्छ और डायनासोर। क्योंकि ये साइज में 50 फीट तक लंबे होते थे, उनका वजन तकरीबन 1135 किलोग्राम तक होता था, जो कि ज्यादातर कंबोडिया के घने और जंगली इलाकों में पाए जाते थे। शिकार को जकड़कर उसकी सांस रोककर इसको मार देते थे और फिर एक ही बार में इसको निगल जाते थे। अगर आज के जमाने में जानवर धरती पर मौजूद होता तो इंसानों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी खात्मा हो जाता, इसलिए अच्छा ही हुआ कि इनका भी जमीन से खात्मा हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारा इंतजार कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।